नौकरी दिलाने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी को दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमरुल मुनव्वर बताइएगा। जी, फवाद चौधरी को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था और आज इनको मकामी अदालत में पेश किया गया, तो पुलिस की जानिब से इस्तदआ की गई कि इसमें जो मुद्दई हैं ज़हीर, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि 50 लाख रुपये जो है वो रिश्वत की मद में लिए गए थे और इसमें ये कहा गया था फवाद चौधरी उनको नौकरी दिलवाएंगे, ताहम इस हवाले से वो इनको धमकियां भी देते रहे हैं। तो ये दफात थी जिनके तहत थाना पारा में मुकदमा दर्ज था। आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया फवाद चौधरी का इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ताहम अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया है। जबकि अदालत के अंदर फवाद चौधरी का कहना था कि कोरोना के बाद उनके लंग्स का मसला है, जिस पर अदालत ने ये अहकाम भी जारी किए हैं कि उनके अभी भी मेडिकल करवाया जाए और उसके बाद जब अदालत में उनको पेश किया जाएगा तो दोबारा उनका मेडिकल करवाने के बाद उनको अदालत में पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया।